वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है 4th of November और आज है बड़ी दिवाली। सो आप लोगों को दिवाली की बधाई। सो हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज हमारे यहाँ जो जो रिचुअल्स होते हैं, जो भी हम लोग करते हैं, वो सब मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी और अपना थोड़ा बहुत रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो। सो गाइस, यहाँ पर अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और यहाँ पर ये पूजा की प्रिपरेशंस चल रही हैं। इस टाइम यहाँ पर अम्मा जी हमको लक्ष्मी माता की कहानी सुनाएंगी, क्योंकि आज दिवाली के दिन हमारे यहाँ पर घर के बड़ी जो लेडीज़ होती हैं वो फास्ट रखती हैं। तो यहाँ पर अम्मा जी और मम्मी जी दोनों का फास्ट है, इसलिए वो कहानी सुनेंगी। तो यहाँ पर ये पूजा की प्रिपरेशन हो रही है। सो गाइस, हमने लक्ष्मी माता की कहानी सुन ली है। अब उसके बाद पूरा ब्रेकफास्ट का काम सब कुछ हो गया था, तो अब मैं यहाँ पर अपनी किचन स्लैब क्लीन कर रही हूँ, जिसके बाद अब मैं फास्ट का खाना रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि बिना प्याज और टमाटर के बनेगी, इसलिए मैं सिंपली उसे कुकर में फ्राई करके बना रही हूँ। मैंने कुकर में ढक्कन लगा दिया है, 3 से 4 सीटी में सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और मम्मी जी यहाँ पर दही वड़ों की तैयारी कर रही हैं, और साथ ही में मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही थी, जो कि ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है।
सो गाइस आप भी बताना क्या दिवाली के दिन आप लोगों के यहाँ भी फास्ट रखा जाता है। सो यहाँ पर हम लोग नीचे अपनी शॉप में पहले पूजा करते हैं, फिर घर की पूजा करते हैं, तो ये सब वही पूजा की तैयारियाँ चल रही हैं। सो गाइस शॉप की पूजा करने के बाद अब हम लोग घर में पूजन करने आए हैं। तो यहाँ पर हम लक्ष्मी माता की चौकी सजाते हैं, जो कि हमारे यहाँ गोबर और मिट्टी से उनके यहाँ फर्श पर लेप लगाकर दिए सजाए जाते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ जो होता है माता की चौकी में ये सब सामान रखा जाता है, जहाँ पर 5 तरीके के फल, मिठाई, पैसे और ये रखे जाते हैं। सो गाइज यहाँ पर अब आरती स्टार्ट हो चुकी है और सब लोग आरती कर रहे हैं। आरती के बाद हम लोग दिए जलाते हैं बाहर, जो दिए रखे थे हमने पूजन में वो हम बाहर अपने घर में, कमरों में, किचन में और वॉशरूम, सीढ़ी, हर जगह पर एक एक दिया रखा जाता है। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में दिवाली के दिन क्या क्या होता है और लक्ष्मी पूजन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठकर आरती कर रहे हैं। सो गाइस यहाँ पूजन के बाद हम लोगों ने थोड़े बहुत पटाखे जो हैं फोड़े, क्योंकि इवान को पसंद है इसलिए थोड़े बहुत उसके मतलब के लेकर आए थे। तो हमारी दिवाली तो बहुत अच्छी गई। सो गाइस आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग की दिवाली कैसी गई और आप लोगों ने दिवाली में क्या क्या किया। और मेरा व्लॉग आप लोग को कैसा लगा। सो गाइस अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और नीचे कमेंट भी करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। बाय बाय।